लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए विधायक कोष से जो राहत सामग्री आई थी उसको लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पुष्कर में कल वरिष्ठ भाजपाइयों ने मोर्चा संभाला था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि विधायक सुरेश रावत के प्रति द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की जा रही, तो उसका जवाब वापस शाम होते होते कांग्रेसी पार्षदों ने ज्ञापन देकर दिया कि जो भी राहत सामग्री है उसका निष्पक्ष वितरण किया जाए। दूसरी तरफ आज एक बार फिर जो भाजपा के जो तीन पार्षद हैं उन्होंने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण पाटिल सहित समस्त पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मुख्य रूप से दो बातें बताई गई कि एक तो निष्पक्ष रूप से राहत सामग्री का वितरण हो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि जो विधायक सुरेश सिंह रावत पर लॉकडाउन और निषेधाज्ञा उल्लंघन के जो आरोप लगाए गए हैं उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की गई है और भाजपा मंडल ने एक दिखाया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की गई तो वे किसी भी हालत में चुप नहीं रहेंगे और वापस इसका जवाब जरूर देंगे। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। लॉकडाउन में विधायक कोष से पुष्कर नगर पालिका के जरूरतमंदों के लिए आई मदद तो ना जाने सही हाथों में कब तक पहुंचेगी, लेकिन वितरण को लेकर भाजपा कांग्रेस में मचा सियासी घमासान थमने के बजाय ज्यादा तेज होता जा रहा है। विधायक सुरेश सिंह रावत को सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना का नोटिस मिलने के बाद भाजपा पूरे आक्रामक रूप में आ गई है। रविवार को वरिष्ठ भाजपाइयों ने हमला बोला तो सोमवार को भाजपा का शहर मंडल भी मैदान में कूद गया। पार्षद मुकेश कुमार, रोहन बकोली और धर्मेंद्र नागौरा ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी सहित भाजपा पार्षदों और पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त एक दो सूत्रीय ज्ञापन उपखंड अधिकारी देविका तोमर को सौंप कर विधायक कोष और भामाशाहों से प्राप्त राहत सामग्री का निष्पक्ष रूप से वितरण करने की मांग की। ज्ञापन में राजनीतिक दबाव के चलते पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत को प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग और निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में नोटिस देने की कड़े शब्दों में आलोचना की गई। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस में चल रहा यह ज्ञापन वार फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस राहत सामग्री को लेकर यह सारा घमासान मचा हुआ है वह सही समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचती है या नहीं। आज हमने जो भारत में पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है उसको उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे विधायक साहब ने जिन जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री नहीं पहुँच रही है, जिसको वास्तविक ज़रूरत है उसके लिए उन्होंने खाद्य सामग्री की व्यवस्था की थी, उसी के चलते पुष्कर में करीब 3 लाख रुपए की खाद्य सामग्री यहाँ हमारे विधायक महोदय के प्रयास के द्वारा यहाँ पर भेजी गई और जिसके लिए उनको खाद्य सामग्री जो नगर पालिका को सपोर्ट करने के लिए हमारे विधायक जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने खाद्य सामग्री जो नगर पालिका की जो वाहन थे उनमें भरवा कर उनको हरी झंडी दिखाई थी। पूरा उनको उन्होंने सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखा और सभी नियमों के पालना के तहत उन्होंने इस खाद्य सामग्री को हरी झंडी दिखाकर उन जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने के लिए रवाना की थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के राजनीतिक द्वेषता पूर्वक उन पर ये आरोप लगाया गया कि आपने 144 धारा का उल्लंघन किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे उन्होंने कोई भी नियम के उल्लंघन नहीं किया है जो उन्हें करना चाहिए था। तथा मैं हमारे सभी पार्षदों के माध्यम से यहाँ ज्ञापन देने आए कि इसकी निष्पक्षता रखी जाए और जो खाद्य सामग्री है उसको तुरंत प्रभाव से